علي محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين والنبو للمعبين والنار للملحين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ولعن الله أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم نلو عليك من نبا موسى ونعوذ بالحق لقوم يؤمنون صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میں اس پروگرام سے مجھے دعوت دی میں آپ کی خدمت حاضر ہوں. یہ ایام جو اس وقت پوری دنیا میں یکساں طور پر منعقد ہیں, اس وقت کا طریقہ جسے ہم پہلی مرتبہ اس طرح سے منعقد کر, میں نے اس وقت جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے سورہ قصص کی ہے, اور قرآن مجید کا سورہ ہے جس میں حقائق کو ایک ایسے عنوان سے پیش کیا ہے جو ہم سب کے ذہن و فکر کو بہت زور کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. چونکہ قرآن مجید ہمارے تمام مسائل کا حل ہے, بشک کہ اگر ہم قرآن سے وہ حاصل کر رہے ہیں جو قرآن ہمیں نہ چاہتا, ہم قرآن صرف ہدایت کی کتاب ہے بس, اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب ہدایت کی راہ میں اس کی کارفرما ہے, لیکن ہم قرآن سے وہ لینا چاہتے ہیں جو قرآن دینا چاہتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا سب آغاز قرآن تلاوت سے ہو ہے تو بہت افراد ہیں. تو آئیے, یہ سورہ ہماری بہت سی ملاقات کا حل ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ جب بھی زمانے فسادات ہوں اور ایسے لوگ ظلم ڈرتے ہیں, جو کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں, ان سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. سب پوری دنیا جکڑ میں, پوری دنیا پر ایسے لوگ قبضہ ہے. قرآن ہمیں اس کو بتاتا ہے, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب سے جابر اور ستمگر لوگ معاشرے پہ حاوی جائیں تو پھر کیا ذمہ دی ہے, پھر خدا کا کیا ایسے موقع پر
देवबंद आलम ने जो कानून बनाया है और बनाया है हमारे लिए उसे भेजा है। और इस आयत में और इसके बाद मुसलसल आयतें हैं इनमें हमें ये बताया गया है कि फिरौन कैसा है, फिरौन कैसे पैदा होता है, फिरौन कैसे बनता है, फिरौन पैदा नहीं होता, खुदा किसी को फिरौन बनकर पैदा करता है। फिरौन हमारी गफलत और हमारी बुजदिली से पैदा होता है। जब माशरा बिल हो जाता है, जिनके जिम्मे थे हक कहना, हक सुनना, हक बोलना है, जब वो उस जिम्मेदारी पूरा ना कर तो इन्हीं इंसान में से एक फिरौन होता है। और फिरौन बनने में माशरे के बुरे लोग मदद करते हैं, वरना फिरौन कोई पैदा नहीं होता। फिरौन एक इंतहा ताकत के जरिए से होने वाला एक आदमी जो ताकत करता नहीं था, ताकत माशरे के बुरे लोग हैं जो उसे देते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। इसी को कुरान हमें बताता है और हमें ये बात सुनाना चाहता है। और ये बता हिदायत कुरान हमसे ये बना चाहता है, नतलू अलैक मिन नबा मूसा व फिरौन बिल हक लिकौमी युमिनून इन्ना फिरौन ला फिल अर्ज वजअला अहला शिय्यन यसफू तवाइफ़त मिन्हुम युज़बिहु अबनाहुम व यस्तहयी निसाहुम इन्नहु काना अल मुफ़सिदीन। फिरौन क्या था, फिरौन कैसा, कैसे पैदा होता, ये सब कुछ कुरान हमें बता रहा। तो कुरान हमें बता रहा, तो हमें उससे लेना चाहिए, उससे करीब होना चाहिए कुरान से। और कुरान का नलू वाले का मेरे नबी अब तुम पर मिन नबा मूसा और फिरौन, अब मूसा और फिरौन हक किस्सा हक गया जो हुआ है। और जब कौम अफलत का शिकार होती है तो ये होते रहते हैं, ये हम तुम्हें बता रहे हैं और अफजारे हम तुम पर तावत कर रहे हैं। आप अपनी उम्र तिलावत कीजिए, आप उन्हें बताइए कि वो कौन सी गफल है जिससे फिरौनियत बूझ पाती है। नतलु अब हम तुम पर तिलावत करते हैं मेरे नबी नबा मूस फिरौन बिल हक, मूसा और फिरौन हक किस्सा बयान किए। ये कुरान पूरा है, एक एक लफ्ज हक जेरो जबक है, लेकिन फिर हक को हक कहना ये इशारा है कि अगर कोई ये देखना चाहे कि हक क्या होता है, हक क्या होता है, तो इन चीजों को पढ़े, इन वाकयात को पढ़े, इनको दे तो उसकी समझ में आया कि हक क्या होता है। रवंदम हकीक है, उसकी हर बात हक है। लकौमी मनून हक सबके लिए होता है, लेकिन जो साहबान ईमान है वो इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और पहुंचाते भी हैं। मेरा तो जाहिर है कि ये तरीक़ाकार जो आन हमें बताना चाहे लकौमी यूमिनून ये साहबान ईमान ही है हक, वैसे हक सबको है, लेकिन अब सब ईमान उससे फायदा उठा दे तो फिर ये पूरी दुनिया का जाहिर हो जाता है। और खुदा बंदे आलम कैसे कहे क्या करते, इन्ना फिरौन अला फिल अर्ज, देखिए फिरौन ने जमीन में बड़ी बुलंदी हासिल की, उसे जबर किया था, इस्तबदाद था जो इंसानियत के लिए नुकसान दी जाए। हम अगर इंसान जुल्म के सामने अपने आप को पेश कर दें और हक कहने हक बोलने की सलाह खो दें तो किसी तरह का कोई आदमी
हमारे म्यान में पैदा हो जाता है, बाकी फिरौन पैदा नहीं होता। फिरौन बड़ा है और उसे हरी बुजदिली फिरौन आती है। जब हम बुजदिल हो जाए तो कोई फिरौन बन जाए ना, फिरौन कोई तत लेकर का नहीं होता। फिरौन के साथ जब फिरौन पैदा हुआ तो लाठी डंडे असलहे बारूद ये ले पैदा नहीं हुआ था, ये हमारी बुजदिली ने उसे बड़ा बनाया कि वो फिरौन बन गया। तो इसको खुदा और कुरान मजीद आप कयामत तक के लिए ये फार्मूला ना चाहता है कैसे बनता है फिरौन। इन्ना फिरौना फिल आर्ज, फिरौन ने जमीन बड़ी बुलंदी हासिल कर ली थी। सुभान अल्लाह, यानी फिरौन बुलंदी हासिल आता इंसानों इंसानों के सरों पर हुकूमत कर जा रहा था और इंसान सरों को झुकते चले जा रहे। और जब ये नौबत पहुंची तो क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फिरौन ने सब कर अपनी इजारत हासिल कर ली। खुदावंद आलम इस चीज को बताता है कि उन्होंने कैसे किया, फिरौन की कामयाबी का राज बड़ा गौर कीजिएगा। फिरौन की कामयाबी का राज क्या था? जा अहलहाशियान, उसने वहां के रहने वालों पर जहां हुकूमत कर था उसने वहां के लोगों को गिरोह में बांट दिया था। गिरोह में, इसका मतलब ये कि हमारा बंटवार ही फिरौनियत कामयाबी का राज। हमारा जब जाते हमें तो कोई जालिम हमारे ऊपर कामयाब होता है, बस हम इसके मुतवज्जे रहे कि कोई हमसे इस्तेमाल करके अपना तसल्लुत हमारे ऊपर कायम ना कर दे। यही कुरान की तालीमात है, ये अंबिया की तालीमात है। वो क्या करता था? जाल अहलाशियान, वहां के रहने वालों को गिरोह में बांटा था। यस्तज एफरा एफतम में, और उसकी कारसाली ये थी, जब बांट देता गिरोह में बड़ा कर देता था तो एक गिरोह को कमजोर करता, एक गिरोह को जबरदस्त करता, उनकी परस्तता था, उनके ऊपर अपना हाथ रख देता था और जो जिनको कमजोर करता था उनके साथ जुल्म जबर करता था। और यही फिरौन का तरीका था, जुल्म जबर को उसको राज ना लोगों पर राज कर, ये उसका एक तरीका था। उन्होंने क्या वजाल अहलाशियान, उसने वहां के रहने वालों पर गिरोह में बांट दिया। हमारा बटला ही जालिम की तत का राज है। अगर हमारा बटवारा ना हो तो जालिम हमार कोई इजारादारी नहीं कर सकता। ये फिरौन की फिरौन का राज था। वो ये करता जाना आशियान यस्तज फताए फतम मिनहुम, देख कुरान बता रहा है क्या करता, यस्तज फताए फतम हम, एक गिरोह को तो वो जोर बनाता था, युजब अब नाम, और उनके बे को सभा करता, वो यस्ता ही निशा हूं, और उनकी औरतों को जिंदा रखता था, बेटों को जिंदा रखता था, काहे के लिए अपनी खिदमत के लिए। देखे जब माशरा इतना बुजदिल हो जाए और सब जाए कि उसमें ये तमीज ना रह जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वो ये कर था, क्या कर था, ये कुरान बता रहा है, युज़ब्बहु अबनाहुम, उन बेटों को तो करता था, यस्तहिसाहुम, उनके औरों को जिंदा रखता था, खिदमत गारी के अपनी खिदमत की। हम माशरे बुराइयों को समझ रहे हैं, कुरान आपकी हर तरह से बताना चाहता है, हिफाजत करना चाहता है। फिरौनियत कोई एक वक्त का आदमी ने,
फिरौन हर दौर पैदा होते रहते, आज पैदा हो रहे माश में, तरह तरह के नाम उनके होते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए कान ने हमें बता दिया है कि फिरौनियत ये हरबे हैं, फिरौनियत के ये नामे हैं। वो क्या करता था, वो बेगैरती करता था माशरे माशरे बेगैरती पैदा करता, गैरत को छीन था। जब माशरे में गैरत न रह जाए और दीन के खिलाफ आवाज उठने लगे और माशरा बेगैरत बन जाए और उसे ये तर्ज न रह जाए कि हमारे साथ हो रहा है, तो यही सूरत हाल पैदा होती है कि फिरौनियत कर रहा है, कि बेगैरती पैदा कर रहा है, औरतों को जिना जा रहा है, मजबा हो रहे हैं और किसी को कोई कुछ नहीं है। जब ये होने लगे तो फिर एक निजाम है, अल्लाह का एक निका आता है और फिर वो ये कहा है कि खुदा बन जा हमारे लिए, फिर हादियों रहबर भेजा है, रहबरियत निजाम आता है। अब अगर हादियों रहबर का हम साथ नहीं देते, हादियों रहबर की हम पैरवी नहीं थे और हम हादियों रहबर तन्हा कर दें, अकेला कर दें, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता है। ज्यादा हादी उबर को तन्हा कर देना चाहिए, हाद रहबर का साथ ना चाहिए। आज हम इसका शार हैं, आज दुनिया भर में ये चालें चली रही हैं कि आपको रहबर अलग किया जा रहा है, रहबर से दूर किया जा रहा है, आप रहबर से मुतसिल रहिए, रहबर से मिलिए, फिर कोई सामाजियत आपका कुछ कर सकती। अगर आपने रहबर तन्हा कर दिया, रहबर को अकेला कर दिया, तो फिर हमें कहीं भी पक जा सकता है, हमें कहीं भी मारा जा सकता है। लेकिन अगर हम रहबर के अतराब में रहें तो अल्लाह हमारे लिए हादियो रहबर इंतखाब का है। वो हादियो रहबर किस तरह का होता है, बहुत बड़ी ताकत का ऐलान किया रहा है। अब हम क्या करें, हम ये करते दो, ये हमारा तरीका है, खुदा बता ये हमारी सीरत है, हमारी सुन्नत है। पैसा हम सहेंगे, जरूर और सामने आएगा और लोग का मुकाबला न लेंगे, तो फिर हमारे एक निजाम होता है और वो है कि नुरीद अन्नमुन अल्लाजीन अस्तुज़िफु फिल अर्ज नजअल मुलाइमा जअलहुम वारिसीन। फिर खुदा कहते हैं हम ये इरादा है, ये हमेशा का कानून आया है, जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, हमने इरादा किया है, ये हमारा कानून है कि हमने इरादा नुरीद अन्नमुन अल्लाजीन अस्तुज़िफु फिल अर्ज। हम ये कहें कि जब ऐसा है तो हम एक हादी रहबर को भेजते, आप हादी रहबर को तन्हा करेंगे तो इसके सारे नुकसान हमारे लिए होंगे। लेकिन कुरान कहता है कि हमने ये किया है कि हम नुरीदो, ये इरादा है अन्नमुना अल्लाजीनस्तुज़िफु फिल अर्ज, यहां इरादा किया नुरीदो के जब जमीन पर उन लोगों को कमजोर किया जाएगा, उनसे जीने के हुकूक छीने जाएंगे, तो हमारा ये निजाम आएगा नज अलहुल आइम्मा, फिर हम उनको कयाद देंगे, फिर हम उनको इमामत से नवाजेंगे। अब अगर इमाम को तन्हा कर दे, अकेला कर दे, तो ये हमें हक में बहुत ही मुसीबत पैदा होती है। हमारा काम यह है कि हम हादी और रहबर का साथ दें, हादी और रहबर के पास रहें, हादी और रहबर के करीब रहें। और कहा यह है कि आप जो गैबत इमाम इस्लाम है उसमें हम उन हादियान वक्त से करीब रहें, उनकी हिदायत को कबूल करें,
अगरचे अमेरिका और इस तरह की दूसरी ताकतें ये चाहती हैं कि निशान डाला जाए, इफ्तराक दिया जाए, इख्तलाल पैदा किए जाए, और छोटी छोटी जमाने बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े चैलेंज करने लगे, तो उसकी होता है कि फिर हम कमर पड़ जाते हैं। हमारी सारी बदनसीबी का रास्ता ये कि हम अपने आने बरहक जिनको खुदा के आलम ने वहीं से जी किया है जहां से खुदा ने इमामत को जारी किया, इमामत ही के नते में ये मर्दियत का निजाम पैदा होता है। हमारी बहुत बड़ी ये बदबख्ती हुई अगर हम गैबत इमाम अलैहिस्सलाम में अपने मराज से करीब न रहे और उनकी हिदायत पर अमल न करें। चुनाचे ये आयात सारी उसी इमाम जना के तवसुल तक किए, उन्हें वसाइल तक जाते हैं जो इमाम जमाना के सिलसिले से हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? फिर अपने कर्तव्य होता है, हमें चाहिए हम अपने आप को हर हम वक्त उसके लिए हाजिर रखे और उस सिलसिले में जो हम कर सकते हैं वो करें। तो खुदा वंदे आलम क्या मानता है? फरमाता है कि हम तो हमने हाजी को जब भेजते तो पूरी अपनी ताकत का नमू बनाकर भेज, हम चाहते हम उस जमीन पर तमक्कुन देते, जमीन पर कब्जे देते। तमक्कुन का मतलब है पूरा कब्जा, ऐसा कब्जा कि हाथ कुछ हो और वो बिल्कुल बेयार हो। ऐसे खुदावंद अपने रहरों को इस जमीन के ऊपर इसी तरह से भेजा है ताकि ये दुनिया जुल्म जोर का खात्मा हो जाए और फिर अदल साफ के लिए एक अल्लाह की तरह नुमाइंदा आता है, रहबर आता है, तो हम आदत करता है। अगर हम कयाद को उस दिली की से इदराक न कर सके, न समझ सके, तो फिर हमारी बड़ी आजमाइश शुरू होती है। और वो क्या हो है? देखिए फिरौन ये चाहता है कि ऐसा न हो, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो अल्लाह के हैं वो पूरे हो गए। खुदावंद ने फिरौन का मुकाबला किसी ताकत से नहीं किया और ना ही का ये निजाम है कि वो ताकत का मुकाबला ताकत से करता है। खुदावंद आलम ताकत का मुकाबला ताकत से नहीं करता, हमेशा नाकती से कहा है। कुरान में इस तरह के बहुत इशारात वाज़ेहात शक्ल में मौजूद हैं। अब रहा जब खाने का को मिसमार कर लिया आया तो खुदावंदी हमने क्या किया? अब रहा हाथी लश्कराया, चूंकि वो शरीर तौर ताकत को ताकत सकता था, हाथियों का लश्कर लेकर आ गया और हाथियों का लश्कर लिया और खाने बाबा को मिसमार करना चाहा। अगर वारिस और रहबर जाग रहा है तो फिर कुछ हाई और फिर हाथियों के मुकाबले के लिए अल्लाह तआला से जता आई वो बहुत छोटे छोटे परिंदों की शक्ल था, पसनावा छोटे छोटे परिंदे अबाबील करा जाता। अबाबील परिंदों को नहीं कहते, अबाबील गौर की शक्ल में वो उसे कहते। अगर आदमी से इकट्ठे हो और एक फिक्र हो तो उनको भी अबाबील कह सकते। अबाबील उस परिंदे नाम इसलिए गया कि वो आए थे, अल्लाह की तरफ से आए थे, लेकिन उनकी क्वालिटी एक चीज थी, वो एक से उठे और एक ही को चले। उधर से अब्राहा चले, उधर से वो हाथ चले,
अब रहे के साथ इधर से खुदावंद का निजाम चला, और वो निजाम क्या था? वो निजाम ये था कि छोटे छोटे परे थे, इतने नन्हे मुन्ने के, उनकी एक छोटी कंकर चोंच में थी और एक एक पंजों की। इससे जाहिर में नहीं लगता कि नुकसान हो सका अगर किसी के लग जाए तो, लेकिन अगर अल्लाह की निजाम से चीज जुड़ जाए तो उसमें ताकत पैदा होती है। मसला यही है, अल्लाह के निजाम से जुड़ जाना, अल्लाह की ताकत से जुड़ जाना, अल्लाह के हुक्म से चले। कुरान में पूरा सूरह मौजूद है इस सिलसिले में। इधर से अब्राहम चला हाथी लेकर, इधर से अल्लाह के हुक्म के पाबंद चले, और बस ताकत के हुक्म में हो गए। कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। चले परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, इतने इतने जिनकी तासीर बोझ उठा लेती, लेकिन जब चले और अल्लाह के हुक्म से ताकत बनते हैं, अल्लाह के हुक्म मानते हैं, चले उन्होंने तरमीम हिजारत में सिज्जित, छोटे छोटे जब अपने चोंच और पैरों से गिराना शुरू किए तो हाथी जैसा लश्कर, हाथी जैसा जानवर क्या होगा, काश माकूल ऐसा हो गया जो चबाया हुआ भूसा होता है। चबाया हुआ भूसा यानी भूसा खुद काफी बार होता है, उसे चबा दिया जाए तो वो क्या होता है, उसका तशख्स भी मिल होता है। यही हुआ, अल्लाह ने हुक्म से वो चले, लेकिन एक समझना होगी उसमें, जब वो चले तो एक सिमत से उठे, एक ही सिमत चले, उनकी सफों में इशार नहीं था, उनकी सफों में हाथ था, उनका दुश्मन था, उनका मिशन था, उनकी उड़ान थी, उनकी सोच थी। चुनाचे जब वो चले तो उन्होंने अपने छोटे छोटे गंठ गिराना शुरू किए, जिस पर एक छोटा सा गंठ गिर जाता चने के दाने से फूटा, उसे कुरान कहता है हस्बी माकूल, वो ऐसा हो जाते थे जैसे चबाया हुआ होता है। तो इसका मतलब ये ताकत का राज इसमें नहीं है, ताकत का राज हाथ में है, हम फिक्र में। इसी वजह से मेरे तो आप देखते हैं, बस यहाँ वक्त गैर हो रहा है, अजान का वक्त होने वाला है, लेकिन ये छोटे छोटे परिंदे जब फिक्र हो जाते हैं तो ये काशी मामूल कर देते हैं, भूसे की तरह चबा कर देते हैं। इसका और नमा हमें करबला दिखाती है। करबला में क्या, करबला में यूं तो सब ने जी मैदान में आए, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत का मुजाहरा जिस लिया वो सबसे छोटा ताकत हजरत अली से, बहुत छोटी ताकत। और आप देखिए और कीजिए, अली असगर सब शहीद बाद में हैं, अलावा अपने बाके अगर चक्रबला के दान में जिंदा रहना मुश्किल था, मौत प्यास खुद मौत के मारे डाल रही थी, लेकिन हुसैन का से छोटा बच्चा सबसे ज्यादा जिंदा रहा, और सबसे ज्यादा उसने दुश्मनों को हैरान कर दिया, दुश्मनों को बेजबान कर दिया। जब हुसैन अपने महीने के बच्चे को लेकर आए हैं, जिसके साथ छह मशमाह जुड़ा हुआ है, उसकी ताकत बहुत बड़ी ताकत थी। हुसैन जब लेकर आया मैदान में, आप सुनते रहते हैं, तो हुसैन ने अबा का साया किया, दुश्मन ये समझा कि दुश्मन को भी एहसास हुआ कि अब कोई इंसान कहां तक जगता है, शायद वो ये समझे कि हुसैन जग चुके,
और अभी हम शिक्षा सुलो की पेश करेंगे, लेकिन नहीं जब आए और अबा का दाम उठाया तो देखा कि आपके हाथ में 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा देख कर लक्ष्मण भी हैरान रह गए। और हुसैन ने बजुमला कहा, उसे समझिए जो पूरी करबला समझा देता है। हुसैन ना देखो, मैंने तुमसे नहीं मांगा, अभी तक मैं किसी के लिए अन्य का सवाल नहीं किया, न कासिम के लिए और न मोहम्मद के लिए, न किसी और के लिए, मगर बच्चे के लिए किया क्यों, यह भी सवाल आप ही करता। और मैं इसलिए भी पानी ना मांगता तुमसे अगर ये जानते हैं कि कोचा भी 6 महीने का पी नहीं था, दूध पीता है, लेकिन हुसैन बताना ही चाहते थे कि चूंकि 3 दिन का प्यासा बच्चा है, माँ भी प्यासी है, माँ का दूध खुश चुका है, लिहाजा मैं कैसे इस बच्चे के तुमसे सवाल अब कर लिया, वरना अहले बैत अलग सवाल करना का थी, अहले बैत की दर सवालों को पूरा करना थी। मेरे अजीजों, ये आजादारी के हैं, ये हुसैनी दिन है जिसे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इस बच्चे को जलती रेत पर लिटा कहते, अगर ये समझते हो कि इसके बहाने से मैं पानी पी लूंगा, लो मिटाई देता हूँ, तुम आज बच्चे को पानी पिलाओ, फिर भी जवाब ना। तो हुसैन ने बच्चे को उठाया, हाथों पर उठाकर कहा, अली असगर की आंखों में आंखें डाल के कहा, मेरे लाल, मैं पानी तुम्हारे लिए मांग चुका मगर इन्हें यकीन नहीं आता, अब तुम भी तो इन्हें बता दो कि तुम प्यासे हो। अली असगर ने अपनी जबान होठों पर फिराई, दुश्मन से भी बर्दाश्त न हो सका, बस दुश्मन ने भी कहा, जल्दी से इसे के गले पर एक तीर मारो, वरना हमारी फौज में इंकलाब पैदा हो जाएगा, शिमर जैसा बदबख्त इंसान, शिमर जैसा एक सुल्कल इंसान तीर कमान जोड़ कर चला है और बच्चा गला ताला है। मेरे अजीजो, बच्चे का गला बहुत छोटा जुक था, तीर बड़ा था, 6 साल का तीर, तीर भारी था, बच्चा हल्का था। मेरे अजीजो, बस तीर जैसे उसने कान में पड़ा, 3 साल का तीर बच्चे गले को चीर हुआ निकल गया। हुसैन एक मरतबा देते हैं, बस देने के बाद कहा, मेरे लाल के कोई साहब औलाद था। और यह कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे को अपने हाथों पर संभाला और संभाल कर बारगाह इलाही में फरियाद की, पालने वाले नाना से मुलाकात करके कहूंगा, मेरा 1 महीने का बच्चा भी न रहा। और ये कह के हुसैन बच्चे खेमे में लाते थे, माँ से लेके गए थे, माँ सामने लाके था, जैसे ही माँ देखा समझा के हुसैन पानी पिला लाए, मगर एक मरतबा हुसैन ने जब अबा का दान उठाया तो देखा कि बच्चे गला छिदा हुआ है। माँ ने फरियाद की, अरे कोई साहेब औलाद न था जो तुझे पानी ला देता। इमाम हुसैन अपनी सर झुका कर बताते हैं कि ये बड़े जुल्म को काबिल करके बड़ा आया है। खुदावंद आलम हम सब की खैर वाफियत रखे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को मनाने की तौफीक अता फरमाए। आपसे सबसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत अपने अपने मरहूमा के लिए इस हल से वाप करते हैं। या हुसैन फरमान भाई आप अवेलेबल हैं? या हुसैन शिराज भाई आप पढ़ें प्लीज बिस्मिल्लाह। या हुसैन
या हुसैन आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है, चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है, मेरी मौत की खबर में कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, नेजे से गिर रहा है नन्ना सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा, मेरे हाथ तो बंधे हैं, सर किस तरह उठाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जा चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। झूले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं, तेरी आखिरी निशानी है किस तरह से बचाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। जब रात होगी रंग में हो जाएगा अंधेरा, डरना नहीं है बेटा, दादी कहेगी तुमसे, आ मैं तुझे सुलाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ।
तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है, तेरी मौत की खबर में कैसे उसे सुनाऊं, असगर में तेरी माँ मेरे तेरी प्यास में बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। नेजे से गिर रहा है नन्ना सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा, मेरे हाथ तो बंधे हैं, सर किस तरह उठाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास में बुझाऊं। हजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, अपने बंधे हाथों को बीमार के जेवर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंदिर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, उठते हुए आंधी को महशर को बयाबां को, डूबते हुए सूरज को तारीख को मैदान को, चलते हुए खंजर को नैज़े पे तेरे सर को भूले नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, एक चांद था बदले में छुपता था निकलता था, पर्दा दर खैमा का उठता कभी गिरता था, वो खैमाए लैला से हाय रुखसते अकबर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं, बेजा को मेरा भाई माँ कह के बुलाता था, कम उसका मेरे भाई के नाम पे जाता था, मैंने जो माँ बन कर आई थी उस मदर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, लहराते हुए नैजा और शिमर का वो बढ़ना, आगे मेरे पीछे हर बीवी का वो छुपना, चोलों में घिरे घर को चिनती हुई चादर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, मासूम सकीना को बढ़ते हुए नजरों को, सिसते हुए गालों को बेरहम तमाचों को, रिसते हुए कानों को खिंचते हुए गौहर को भूली
नहीं मैं बाजार के मंदिर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं या हुसैन या हुसैन या हुसैन मोहम्मद वाजल फजहुम السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید البشین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدت نساء العالمین و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا مدفون بالارض طول راضی بالقدر والقضاء ابن موسی رضا و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم صاحب الاثر والزمان الامان 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 من سنة الزمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم خلیفة الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرج و سعال اللہ مخرج و زور و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجة ابن الحسن पार्टिसिपेटिंग सॉरी थोड़ी यूट्यूब से इश्यूज हो रही थी अभी दूसरी मजलिस चल रही है ब्रदर हैं वो लास्ट मर्सिया चल रहा है सो इंशाल्लाह यू ऑल कैन स्विच ओवर टू द अदर मजलिस एंड आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट फोर नाइट यही शेड्यूल रहेगा मौलाना जेबे मेंबर हो जाएंगे 8 बजे इंशाल्लाह तो आपसे फिर मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम